आज संडे है और सब बज रहे हैं 4:15। मैं जा रही हूँ अपने देवर की तरफ उसकी बेटी देखने, सॉरी। तो आज मैं खाना बना के लेके जा रही हूँ। ये है बिरयानी, ये सलाद है, इसमें दही है और इसमें इसमें दही भल्ले की रेड चटनी, इसमें सिंपल दही है और इसमें धनिए की चटनी। अच्छा, ये बर्फी आई थी मेरे देवर की तरफ से, तो मैं अपनी फ्रेंड आकिफा को भेज रही हूँ। और ये है, ये नेबर से आया था केक, तो उनको मैं बिरयानी भेज रही हूँ साथ साथ सबके। और ये दही भल्ले भी लेके जा रही हूँ मैं। और साथ मैंने बनाया है जरदा, ये जरदा भी साथ इनके जाएगा भाई बिरयानी के साथ। ये अब एक्चुअली मैं शॉवर लेने जा रही हूँ, तो मैं सिर्फ सब कुछ बाय रखा है। तो ज़रदा आज वाइट बन जाना था, मैंने इस पर कलर डालना भूल गई। ज़रदा मुझे थोड़ा सा नरम अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा नरम ही बनाती हूँ। तो ये है ज़रदा और बहुत मज़े का बना। तो ये वाइट बन जाना था, फिर जब चाशनी बनाते हुए फिर मैंने इसमें कलर ऐड किया और कुछ ज़्यादा ही कलर ऐड हो गया था। और ये बर्फी बहुत मज़े की अभी। अच्छा जी, अब ये सब कुछ पैक हो गया, अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े प्रेस करने। और कौन सा जोड़ा मैं पहनूँगी? आप लोगों ने ना मुझे किसी दिन कहना कि कभी अपने भी कपड़े पहन लिया करो, हमेशा किसी के दिए हुए पहनती हूँ गिफ्टेड करने के। ये मेरा खाड़ी शफोन का है और मुझे ये निदा ने गिफ्ट किया था, मेरी भाभी ने। इसके मैंने सिंपल बस ये पर्स लगवाए थे, ये बटन साथ ही थे इसके, एम्ब्रॉयडरी इसकी बैक पे भी है। और ये इसका दुपट्टा जो मैं प्रेस बस अब करने जा रही हूँ। और ट्राउज़र इनके ना कॉटन के होते हैं, उनकी इस दफ़ा की भी कलेक्शन बहुत अच्छी आई है। साथ में अपनी शॉल भी करूँगी, हल्की लाइट सी है ये, क्योंकि आज सुबह का सूरज बिल्कुल नहीं निकला, बहुत ठंड हुई भी है। तो चलें जी, मैं रेडी हो जाऊँ फिर चलते हैं अपनी जर्नी पे। अब हम खाने लगे हैं यम्मी यम्मी पेस्ट्री। कहाँ से मंगवाई है, बड़ी मज़े की लग रही है ये। बेक मास्टर कल मनाल का केक भी बहुत मज़े का था, ऊपर था स्नेकर्स, नीचे डेरी मिल्क, दोनों पार्ट खाने वाले थे यम्मी। मुझे था मैं इशाल, कैसी लगी आपको? ठीक है, ठीक है, बस अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगती है। इशाल का नाम किसने रखा है? मामा ने रखा। नहीं, ताया अबू ने रखा, ताया टोनी ने रखा, टोनी ताया ने रखा। आपका नाम मैंने रखा हुआ है, अब्दुल मोईद जोन से ना। मैंने कहा था मामा को अब्दुल मोईद रखना, अभी तक 14 अगस्त नहीं जा रही है। जी अम्मी है, बहुत मजे का है, लेकिन इतने दिनों से खा करके मेरा बहुत चम्मी बाहर निकल आया। कितना मीठा मीठा हो गया ना आज। ये मेरे पास है, इसे नहीं जाना। अलम ये सब कुछ मीठा मीठा करेगा। बटन नाइफ रखी है छोटी बेबी के लिए। रेडी, ये बड़ी डेंजरस चीज है। कुकु आगे से, पीछे से, पहले गा तो लो पर। एक्सक्यूज मी, ऐसे चल चल भी जाओ। वाओ, देखे हाथ को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टीडू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा और ये दूसरा सोक से आया हुआ, कोई 2-3 दिन पहले आता ही सोक से, लेकिन ये डिलीवरी जो उनसे दराज से करते हैं। तो ये बटरफ्लाइज थी, मैं अभी खोल कर दिखाती हूँ। पहले मैं इसको अनपैक करूँ, इतनी टेप्स लगी हुई है ना, तो मैंने ले ली है सीज़र, क्योंकि ये इसके बगैर तो खोलेगा नहीं। चलें इसको खोलते हैं, अनपैक करते हैं। तो टेप लगाने की ज़रूरत क्या है वैसे? देखिए जी, मज़ीद पैकिंग। अब इसको मज़ीद पैकिंग को भी मैं बस फटाफट, चले मैं उसको ओपन करती हूँ। अब बहुत ही मेहनत के बाद ये मिल गया मुझसे। हाँ
जी, तो पहला जो मैंने मंगवाया, ये मैंने मंगवाया एन ए कलेक्शन से, और आज मुझे क्या बात याद आ रही थी, ये मुझे बड़े बच्चे मज़े के लगते हैं, बचपन में याद आ रहा था, बाद में कभी खाती नहीं कैसे करती हूँ। मुझे याद आ रहा था जब मैं नई नई दिन शिफ्ट किया था मैंने अपने घर में, तो मैंने इनसे कुछ चीज़ें मंगवाई थी, लाइक वो प्लास्टिक का ग्रीन कलर का जला हुआ देखा था आपने, मैं ग्रीन कलर से मेरी बड़ी जान गई थी। तीनों चीज़ें भेजी थी, तीनों ही ग्रीन, और अच्छे वाला ग्रीन ही जी, तरह का लैम्प पैरेट कलर का ग्रीन था। हाँ, तो मैंने इनसे मंगवाई थी चीज़ें, तो पहला व्लॉग मैंने अपना वो बनाया था, वीडियो बनाई थी, और मैंने उसको डिलीट कर दिया था, और मैंने बताया था कि मैंने ये चीज़ें मंगवाई हैं ऑनलाइन, ये वो, तो आज मुझे वो दिन याद आ गया कि वो सबसे पहला व्लॉग ही मैंने वो बनाया था, और उसको मैंने डिलीट कर दिया था। अच्छा जी, ये मैं वो देख रही थी सुपर सीलर, तो अब मैं ये देखूँगी ये यूज़ में कैसा है, क्योंकि दराज का मैंने ज़्यादातर देखा है तो वैसा ही है इसकी। हो हो हो, ये तो आते ही इसका सा, ये क्या कवर है इसका, और चलें देखती हूँ अब इसका कैसा कैसा यूज़ में। आई थिंक ये सेल्स वाली जगह, ये देखें सेल डाले जाएंगे, तो कोई हालत इतनी अच्छी नहीं लग रही कोई। आई थिंक मेड इन चाइना ही होगा ये भी, और इस ये टोटल अमाउंट आई है इसकी 1550। ये प्राइस मैं बता दूंगी इसकी क्या है, और उसको यूज़ में मैं देखूंगी कि यूज़ में कैसा है, क्योंकि ये मेरे हाथ में पकड़ती मेरे आ गया ऐसे, अब ये टूट गया, ये क्या है। मेरे हस्बैंड बहुत मुझे गुस्से होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक जैसे ये है तो ये तो ऑनलाइन नहीं है, मुझे नहीं पता मार्केट में मिलती है नहीं मिलती। अच्छा, एक ये मैंने मंगवाया एक्स के लिए, ये अम्मी लेकर आई थी इम्तियाज़ स्टोर से, 1 2 3 4 5 ये सब मुझे तो 12 होगा, तो वो ईरान का बना हुआ है, ये मेड इन ईरान लिखा हुआ है उनका, तो वो अब वो कौन सी कंपनी है लाइक जैसे ब्लू टोकन वाली कंपनी है ना, मैं नाम नहीं आती, तो वो लेकर आई थी, उनके काफ़ी बड़ा था, आई थिंक वो डोजन एक्स के लिए था, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स के लिए, दो ले कम मंगवाने पड़ा करेंगे मुझे। ये अच्छी चीज़ है, फ्रिज में आप इसमें रखते हैं तो फिर स्पेस भी कम लेती है। और दूसरा ये मैंने मंगवाया, मैं माइक्रोवेव बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी आपको यूज़ करना भी पड़ जाता तो आजकल जो कुछ सुन रहे हैं माइक्रोवेव नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके क्या बहुत हार्मफुल है वो, तो कवर करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने माइक्रोवेव कवर, माइक्रोवेव सेफ जो है ना वो कवर है ये, मतलब माइक्रोवेव के लिए यूज़ करने के लिए ना, ये मैग्नेट माइक्रोवेव कवर है, तो ये मैंने मंगवाया स्प्लैटर है, स्प्लैटर गार्ड, हाँ स्प्लैटर गार्ड, ये मैं भी बड़ा अभी मैग्नेट माइक्रोवेव स्प्लैटर गार्ड ये मैंने मंगवाया। सिक्योरिटी स्टोर्स इन योर माइक्रोवेव सो इट इज़ ऑलवेज रेडी फॉर यूज़, तो ये है मैं होना चाहिए अगर माइक्रोवेव यूज़ करते अव्वल, तो बहुत यार मुझे इसका हो रहा है, ये देखिए इसके तो सारे चीज़ें बाहर आ गई हैं, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ लेकिन समटाइम करना भी पड़ जाता, तो फिर उसके लिए मैं इसको भी अब अनपैक करती हूँ अभी। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, अच्छा है, प्लास्टिक अच्छी है इसकी, तो अब ये भी प्लास्टिक में है, ये कैसा अब यूज़ में है, अब किसी ने यूज़ किया हो तो बताएं भाई, दराज पीके पे भी तो है, लेकिन मैंने ये एन ए कलेक्शन से मंगवाई हैं चीज़ें। हाँ ये ऐसा ही है, तो बस जब माइक्रोवेव में यूज़ करना है तो उसको आपने कवर कर देना ताकि जो वेव्स हैं वो आपकी ना टच ना करें आपके फूड को, बस अवॉइड करना चाहिए माइक्रोवेव को बहुत ज़्यादा। हाँ जी, ये मैंने मंगवाई थी एक्रीम के लिए, एलईडी बटरफ्लाइज हैं सेल्स के साथ ये चलती हैं, एक मैं खोल के दिखा देती हूँ, टोटल ये 850 की आई थी विद 200 कोरियर चार्जेस, और ये देखें डिफरेंट है, मेड इन चाइना, ये भी मुझे थोड़ा सा था कि चलें कोई ऐसा माहौल क्रिएट करूं एट्रियम में कि जिसमें बर्ड्स भी हों लाइक बटरफ्लाइज फ्लावर्स के साथ, अभी तो उसको आहिस्ता आहिस्ता मैं कर रही हूँ। ये मुख्तलिफ कलर्स में है, और कितने पीस हैं ये, 1
उनका कॉलर चार्ज देती है, जैसे मर्जी मंगवाए कॉलर चार्जेस उनके 200 होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का जो था इनका, मैंने वो मंगवाया था सोक से। ये कराची से हैं और ये नए कलेक्शन है दोनों का। मैं जो पेज का स्क्रीनशॉट दे दूंगी तो किसी ने कुछ हो। सोक पे अभी काफ़ी चीज़ें आई हैं, वाइन जेम्स बड़ी अच्छी आई हैं, मुझे एक बहुत पसंद आई थी वो 999 की है, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ अर्सा मैं नहीं कुछ भी मंगवाऊंगी क्योंकि इस 2 मंथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें शॉपिंग भी हो गई है कुछ वैसे भी ज़्यादा, तो बजट काफ़ी मेरा ख़राब हो गया। तो अब मुझे सिर्फ टेंशन इसकी हो रही है कि ये कहीं ख़राब तो नहीं इन्होंने भेज दिया। अब मैं इसको चेक करती हूँ, सेल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, फिर मैं देखती हूँ कि बाकी ये ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे बच्चे भी हैं मनाल नहीं मारती, समटाइम नहीं खाती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है आपको दोबारा इसको सील कर सकते हो, तो ये होना चाहिए ऐसा वैसे। अच्छा, मेरी शादी पे नहीं हाला लाइन थी सऊदीया से, तो अम्मी ने मुझे वो दिया था, स्टेपलर था, और वो लाइक जैसे आप उसको स्टिच कर सकते हो कपड़ों को। मेरी बहुत चीज़ें मिस हुई हैं शिफ्टिंग के दौरान, मुझे नहीं पता अब क्या मसला है। चलें अब कई चीज़ें मुझे याद भी हैं, मेरा बहुत बड़ा प्रेशर कुकर था, जूसर था, मेरा एक ग्रिल ओवन था, मेरी सैंडविच मेकर, ये सब चीज़ें मेरी मिस हैं। अब क्या वजह है, क्या है, किसने किया, तो चोरी और हसद करने वालों का तो कुछ नहीं बनता, लेकिन ये कि मुझे तला तला मैं तो ले लूँगी, और लेकिन जो जिन्होंने चोरी किया या हसद है जिनके अंदर, तो वो उनकी तो कोई लाइफ नहीं, बेकार है उनकी लाइफ, उनकी आहरत भी बेकार, उनकी लाइफ भी बेकार। तो आहरत जिसकी आहरत नहीं उसका क्या है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत काउंट करती हैं, खुश होना चाहिए किसी की चीज़ों को देख के। माशाल्लाह मैं तो करके जब भी शो करती माशाल्लाह करती हूँ। और ये सोक का ड्रेस है जहाँ से मैंने मंगवाया, और इनकी वेबसाइट भी है, ये आई थिंक 800 समथिंग का आया था शायद, हाँ 880 का था। इसमें 200 इनके कोरियर चार्जेस थे और बाकी ये 680 की टोटल थी। चलें जी, अब मैं आपसे मिलूंगी फिर, और तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आज मंगल है, कैसे हैं सब। और मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ, हस्बैंड की कॉल आई है कि वो लेट आएंगे, तो सोचा अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, नींद आ रही है बस लेने। ये देखे मेरे घर का क्या हाल हुआ है, वो सामने पार्क बन रहा है और उसकी वजह से इतनी यहाँ पे डस्ट और ट्रॉलीज गुजर रही हैं मिट्टी की कि मैं सफाई करूँ ना करूँ एक बराबर। और आज हल्की हल्की बारिश भी हुई है, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही हो गया, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है इस वक्त, तो नवंबर में ही बहुत ज़्यादा हो गई है। बस निदा का वेट कर रही हूँ, बस वो 5 मिनट्स भी नहीं लगते अम्मी के घर से मेरे घर गाड़ी में, तो वो बस आती है तो फिर मैं जा रही हूँ। आज मेरी फ्रेंड की तरफ से कढ़ी आई थी, इतनी मज़े की आकिफा ने बनाई, खट्टी खट्टी तीखी तीखी, बहुत मज़े की, मैंने बहुत मज़ा ले लेके खाई। ये देखिए रबी अव्वल का प्यारा सा चांद, गला तो ठीक नहीं हो रहा लेकिन अब तो परहेज कर करके भी मेरी ना कितना मत्ती मारी गई है, इतना दिल कर रहा खट्टी चीज़ें खाने को, लेकिन हालांकि मुझे मीठे से होती है ज़्यादा, और उससे ज़्यादा मुझे ठंडी चीज़ से, मीठा नहीं मुझे सूट कर रहा, मीठा खाती हूँ मुझे फ़ोन कर्फ्यू हो जाती है। आई थिंक निदा आ गई है, चलें फिर मिलते हैं। मुझे नाज हुई भी है, क्या खाने लगी है, केक खाने लगी, मुझे नाज हुई भी है। ये नहीं बेटा, मैं साथ चलूंगी। नहीं बेटा, अभी अंधेर है, जाने दो। और मैं नाल आगे नहीं बेटा जाना, ग्रास तक जाती हो फिर ठीक है बेटा, आगे नहीं जाना, ट्रैफिक गाड़ी भी आ जाती है ना, अकेले नहीं जाना।
मग हम लोग आए थे सिन सिटी मार्ट से। आप भी पीनी, आप कॉफी कब पीती होती हो? सो नाइस, बहुत जबरदस्त है ना ये मग। मैं जब शॉप पे कहती तब बनाती नहीं हूँ। मैं बनानी है। चैन ड्राइव।